विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि नामांकन कार्यक्रम के दौरान विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 24 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के समय सत्ता पक्ष के दिग्गजों का जमवाड़ा लगा था, तो वहीं नामांकन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दल के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके साथ यशवंत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।